नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, RBC क्लास 12 संस्कृत संधि की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसके तहत जो अच्छंधि स्वर संधि उसके सारे जो सूत्र है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं हल संधि हम शुरू करेंगे। और दोस्तों, इससे बता दो कि मैंने संधि के सारे वीडियो डाल रखे, आपने नहीं देखे तो इस वीडियो आए बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर वहाँ पर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। देखिए, हल संधि की परिभाषा करती है, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयाति तथा हल संधि भवति। यानी यदि व्यंजन के बाद व्यंजन हो, यानी क्या हो, व्यंजन के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो, यानी क्या हो, व्यंजन के बाद स्वर हो, तो वहाँ पर क्या, कौन सी संधि होती है दोस्तों, वहाँ पर हल संधि होती है। कौन सी संधि होती है, हल संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, हल संधि। ठीक है, ये तो होगी इसकी सामान्य परिभाषा। आप देखो, पहला सूत्र पढ़ते हैं, सतो सचुना सचु है, सचुत्व संधि करता है। सूत्र क्या है, सतो सतो सचुना सचु है, सचु है। यानी इस सूत्र के अंदर ही आपको पूरा सार देखना है। यानी स यानी सकार वर्ग, यानी कौन सा सकार, दंते सकार, दंते सकार और तकार वर्ग, यानी तैथजन है। दंते सकार और तकार वर्ग के बाद यदि सकार वर्ग यानी तालव्य स्कार हो या चकार वर्ग यानी चय वर्ग हो, तो दंत स्कार के स्थान पर तालव्य स्कार और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। ये इसका सूत्र का मीनिंग है। यानी सकारात वर्गीय है सकार चकार वर्गीयो योग्य सकार चय वर्गो सयात। यानी यदि तीसरे स के बाद में, तीसरे स और तय के बाद में, यदि तीसरे स के बाद में स हो या चय हो, या तय के बाद में स हो या चय हो, तो आपको इस स को इसमें और तय को जो है चय में परिवर्तन करना है। ये इस सूत्र का उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं, पहला उदाहरण है हमारा क्या है, सत प्लस चित। क्या है, सत प्लस चित। तो सत के अंदर तय है, ये तय कौन सा है बच्चा, सॉरी, ये चय है तकार वर्ग वाला, तकार वर्ग वाला चय है तकार वर्ग। और इसके बाद ये चय यानी चकार वर्ग है, तो इस तय के स्थान पर चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चय, सचित शब्द बन जाएगा, क्या शब्द बन जाएगा, सचित। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको, ये सचुत्व संधि के द्वारा बनेगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, रामस पिनोस प्लस चिनोती। देखो यहाँ पर ये तीसरा स है और यहाँ पर चय है, तो इस तीसरे स्थान पर हम क्या करेंगे, पहला स लाएंगे, रामस चिनोती। इस प्रकार दोस्तों ये सचुत्व संधि होगी। आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि यदि स के बाद में या तो पहला स हो या चय हो, या तय के बाद में पहला स हो या चय हो, तो इस स का तो ये बनेगा और इस तय का ये बनेगा। बस यही है पहला सूत्र जिसे कहते हैं सचुत्व संधि। अब देखो दूसरा, इसका मिलता जुलता ही है सूत्र का नाम है, शटुना शटु है, शटुत्व संधि करता है। शटुना शटु है, शटुत्व संधि। अब देखो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, तीसरे से और तय ये तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ पर आएगा मूर्धन्य सकार और टकार वर्ग। यानी यदि तीसरे से के बाद या तो सकार हो या टकार हो, या तय के बाद सकार हो या टकार हो, तो दोनों के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टकार वर्ग हो जाता है। ये देखो, सतो सटुना योगे सटु सया, यदा स तय थे इति वर्णा, सैट ठण इति सिवर्णा पूर्व पश्चात व आयंति तथा सैत इति सिवर्णा स्थाने क्रम से सैट ठण इति वर्णा बहुत। जैसे दोस्तों ये देखो, तत् प्लस टीका में तय है और तय के बाद तय आ गया, तो इस तय का भी तय में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखोगे, रामस प्लस षष्ट, ये स है, स के बाद ये स आ गया, तो इस स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जो है मैं आपको दो सूत्र बताऊंगा, भी सचुत्व संधि और षटुत्व संधि दोनों सूत्र बता दिए हैं। आपको याद रखने हैं, एक तो है सतो सचुना सचु है, एक सूत्र क्या है, सतो सचुना सचु है, यानी तीसरे स के बाद में
यदि पहला से हो या चय वर्ग हो या तय वर्ग के बाद में पहला से हो या चय वर्ग हो तो उसके स्थान पर पहला से और चय वर्ग हो जाता है। और सटुना सटु में रख रहा है कि दूसरे से और टय वर्ग के बाद में दूसरे से या टय वर्ग के बाद में तीसरा से या टय वर्ग हो तो उसके स्थान पर हमें दूसरा से और टय वर्ग करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हल संधि के तीन सूत्र और रहे हैं, वो है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।